ब्रेस्ट मिल्क माँ का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ है नवजात शिशु के लिए। किसी भी माँ का ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है उसके बच्चे के लिए कि वो अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिला पाए। परंतु बहुत सी बार महिलाओं को ये प्रॉब्लम आती है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वह कम आ रहा होता है, दूध कम आ रहा होता है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या करने से ब्रेस्ट मिल्क बढ़ सकता है, आप अपने बच्चे को अच्छे से फीड करा सकती हैं ताकि बच्चे का पेट अच्छे से भरे और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो। तो ब्रेस्ट मिल्क यानी कि माँ का दूध किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट आज आपको इसी के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप बच्चे को फ्रीक्वेंटली दूध पिलाएं, यानी कि हर 2 से 3 घंटे में आप बच्चे को दूध ज़रूर पिलाएं। बहुत बार क्या होता है, जब डिलीवरी हुई होती है या सिजेरियन हुआ होता है तो 1-2 दिन के लिए शुरू में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो उसका अमाउंट बहुत कम होता है, तो बहुत दूध नहीं आ रहा होता है और बच्चा मेनली टॉप मिल्क पे होता है, यानी कि ऊपर का दूध बच्चे को दिया जा रहा होता है। लेकिन ऐसे केसेस में आपको ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को सक नहीं कराना है, आपको बच्चे को माँ के स्तन से लगाना ही लगाना है कि वो सक करे ही करे, भले ही 1-2 ड्रॉप्स ही मिल्क आए, क्योंकि जब बच्चा सक करेगा तो ही मिल्क प्रोडक्शन इस्टेब्लिश होगा, तभी आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बनना और निकलना दोनों ही चीज़ें चालू होंगी। तो जब शुरू के पहले 1-2 दिन होते हैं जबकि बहुत मिल्क नहीं आ रहा होता है और कई बार बच्चा ऊपर के दूध के ऊपर होता है यानी कि पाउडर मिल्क पे होता है, लेकिन तब भी आपको बच्चे को सक ज़रूर कराना है हर 2 से 3 घंटे में, ब्रेस्ट में दोनों साइड में ज़रूर लगाना है बच्चे को, 5 से 10 मिनट के लिए सक ज़रूर कराना है, ताकि बच्चा सक करने की पहली बात एक तो बच्चे को आदत हो, वो पूरी तरह से बाहर के दूध के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, दूसरी चीज़ आपके बॉडी के अंदर भी ऐसे हार्मोन्स रिलीज हों जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन और उसका रिलीज यानी कि ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से बनना और निकलना दोनों ही ज़्यादा अच्छे से चालू होगा अगर आप उस बच्चे को रेगुलरली सक कराएंगी। पहली महत्वपूर्ण चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से इस्टेब्लिश हो, उसके लिए कई बार क्या होता है कि अब बच्चा जैसे बाहर टॉप मिल्क पे है, दूध ऊपर का दूध पी रहा है, तो बीच में आप ब्रेस्ट अगर फिल हो गया है तो आप पंप करके ब्रेस्ट मिल्क को निकाल सकती हैं, दोनों साइड से पंपिंग कीजिए, दोनों साइड से ब्रेस्ट पंप्स अवेलेबल होते हैं, मैनुअल ब्रेस्ट पंप्स आते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप्स आते हैं, उसकी सहायता से आप पंप करके ब्रेस्ट मिल्क निकाल लीजिए अगर बच्चा बीच में नहीं पी रहा है, या किसी कारणवश बच्चा 2-4 घंटे हो गए हैं, 3-4 घंटे हो गए हैं, मिल्क फुल हो गया है और बच्चा नहीं पी रहा है किसी कारणवश, बच्चा सोया हुआ है, वैसे तो 2-3 घंटे में आपको पिला देना चाहिए उठा के, लेकिन फिर भी बाय चांस बच्चा उस टाइम पे ब्रेस्ट मिल्क को यूज़ टू नहीं है या ऊपर का दूध पी रहा है, तो आप पंप करके मिल्क को निकाल ज़रूर ले। वैसा करेंगे तो ही ये जो मिल्क का बनना और निकलना है वह जारी रहेगा, नहीं तो इस चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक तो रेगुलरली आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, और अगर थोड़ा लंबा समय हो गया है बच्चा नहीं ले रहा है तो आप पंप करके ब्रेस्ट मिल्क निकाल लीजिए। अब आते हैं कि आप खाने के अंदर क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कौन सी फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क के अमाउंट को बढ़ाते हैं। उसके अंदर स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होती हैं, जैसे कि दाना मेथी, फेनुग्रीक। जी हाँ, दाना मेथी आपके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है। फेनुग्रीक, जी हाँ, दाना मेथी का प्रयोग बढ़ा दीजिए आप, उसका पानी, उसको पानी में भिगो के वो पानी का प्रयोग कर सकती हैं, पानी में भिगो के उबाल के यूज़ कर सकती हैं, सब्जी वगैरह में भी डाल सकती हैं, तो दाना मेथी का प्रयोग बढ़ाइए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है सौंफ। जी हाँ, फेनल सीड्स, ये जो सौंफ होती है यह भी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। सौंफ को आप डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकती हैं, पानी में भिगो के उसका पानी ले सकती हैं। सौंफ बहुत इजी है खाने में, वैसे भी रूटीनली लोग ले ही रहे होते हैं, उसका यूज़ बढ़ा दीजिए तो भी आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। दलिया जो बहुत कॉमनली खिलाया भी जाता है, तो दलिए का यूज़ ज़्यादा कीजिए। दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जितना ज़्यादा आप दूध पियेंगे उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो जी हाँ, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रयोग अधिक मात्रा में कीजिए। हरी सब्जियाँ अधिक खाइए, बादाम लीजिए, ये चीज़ें भी आपके ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा देंगी। पपीता, जी हाँ, पपीता जो हम प्रेगनेंसी में खाने के लिए मना करते हैं, वो पपीता इस टाइम पे लेना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पपीता भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को इस तरह से चेंज करता है कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो आप पपीते का प्रयोग करिए, पपाया लीजिए डाइट के अंदर, ज़्यादा लीजिए। जौ, जी हाँ, बार्ले जिसे कहा जाता है, तो जौ भी आपका ब्रेस्ट मिल्क को इनक्रीज़ करता है।
तो ये खाने की वो चीज़ें हैं जो आप खाने में इंक्लूड करेंगी, तो ब्रेस्ट मिल्क का जो अमाउंट है वो डेफिनेटली कुछ दिनों में उसमें फ़र्क नज़र आने लगेगा। इसके अलावा खाली डाइट के से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यानी कि आपको पहली चीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि लिक्विड का इंटेक अधिक मात्रा में रखना है। लिक्विड्स आप अच्छे से लेंगी तो ब्रेस्ट मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा। लिक्विड अच्छी मात्रा में लेना है, आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। जी हाँ, आप ओवर स्ट्रेस्ड नहीं होनी चाहिए, आपका रेस्ट प्रॉपर रेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है अच्छे से दूध आने के लिए। इसीलिए पहले के ज़माने में शुरू के 1.5 महीने महिलाओं को बहुत अच्छे से रेस्ट करने दिया जाता था, तो उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण ये होता था कि अगर आप प्रॉपर रेस्ट करेंगी तभी ब्रेस्ट मिल्क ढंग से आएगा। आपका स्ट्रेस फ्री होना, यानी कि आप किसी प्रकार की टेंशन ना लें, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी तो भी मिल्क प्रोडक्शन जो होगा वो ज़्यादा की साइड में रहेगा। मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो उसके लिए ब्रेस्ट मसाज भी हेल्पफुल होती है। मसाज तो पहले के ज़माने में बहुत कॉमनली की ही जाती थी, मालिश की ही जाती थी, तो ब्रेस्ट मसाज भी डेफिनेटली इट इज़ हेल्पफुल। वो आपका जो वेस्कुलरिटी है उसको बढ़ाएगा, ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ करेगा। ब्रेस्ट की मसाज की जा सकती है। हॉट फर्मेंटेशन, कभी कभी क्या होता है दूध पिलाने में दिक्कत आ रही होती है या दूध ढंग से निकल नहीं रहा होता है, तो आप दोनों साइड के ब्रेस्ट से गर्म सेक कीजिए। गर्म सेक करके फिर उसके बाद आप ब्रेस्ट मिल्क लेंगी तो वह रिलेटिवली आसान होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब भी बच्चे को फीड कराएं तो ध्यान रखिए कि आपको दोनों साइड से फीड कराना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप एक साइड से फीड करा के, कई बार क्या होता है बच्चा एक साइड से दूध लेता है फिर थक जाता है, सो जाता है या उसका पेट भर जाता है, तो आपको दोनों साइड से फीड कराना है। लेकिन फीड तभी कराएं दूसरी साइड से जब एक साइड का एम्प्टी हो गया है, तो दोनों साइड से फीड कराइए, वह इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे को प्रॉपर पोजीशन में लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्या होता है महिलाओं को पहला बच्चा होता है तो ढंग से समझ ही नहीं होती है कि किस प्रकार से दूध पिलाया जाए, तो दूध पिलाने का स्पेसिफिक जो लैचिंग जिसे हम कहते हैं कि बच्चा ढंग से माँ के ब्रेस्ट पे से दूध ले, उसके लिए बच्चे की प्रॉपर पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। उस पोजीशन के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है कि जो निपल वाला हिस्सा है खाली वह बच्चे के मुंह के अंदर जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके चारों तरफ जो काला भाग है जिसे हम एरियोला कहते हैं वह भी बच्चे के मुंह के अंदर जाना चाहिए। यह पूरा जाएगा तभी दूध अच्छे से आएगा, बच्चा अच्छे से पी पाएगा, प्रोडक्शन भी बेटर रहेगा। बहुत बार बच्चा सिर्फ निपल को सक कर रहा होता है जिससे बहुत बार निपल पे क्रैक्स वगैरह भी आ जाते हैं, माँ को पेन होने लग जाता है और ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जो निपल के साथ में पूरा काला हिस्सा है एरियोला वो भी जितना बच्चे के मुंह के अंदर जाए उतना अच्छा रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, जब आप दूध पिला रही हैं तो आप नीचे झुकिए नहीं, बल्कि एक दो तकिए या पिलोस जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो रखिए ताकि बच्चे का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाए, जिससे कि आप लंबे समय तक बच्चे को उस पोजीशन में लेकर बैठी रह सके। नहीं तो अगर आप झुकती हैं तो आपको बैकएक वगैरह होना शुरू हो जाता है। जो पेन होता है वो भी हमारे बॉडी में इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करता है कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो आपको बहुत पेन नहीं होना चाहिए, आप कंफर्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए। तो आप बच्चे को अपनी गोद में लीजिए, नीचे एक दो तकिए लगाइए ताकि बच्चे का लेवल ऊपर आए, आपको लगातार झुकना ना पड़े, और फिर आप फीड कराइए। तो फीड कराने का प्रॉपर तरीका होना भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा आप कौन सी दवाइयाँ ले रही हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ इस प्रकार की होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन को कम कर देती हैं, जैसे कि बहुत सी जुकाम की बीमारियाँ होती हैं, जुकाम की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामिन्स होती हैं, सिट्रीजिन, लोराटेडिन, जो बहुत कॉमनली यूज़ की जा रही दवाइयाँ होती हैं। कभी कभी कोई महिला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे होती हैं, अगर आप अल्कोहल वगैरह का सेवन करती हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके ब्रेस्ट मिल्क को कम कर देता है। तो आप जो भी दवाइयाँ लें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ कर लें कि वो लेना आपके लिए ठीक है या नहीं है, वो ब्रेस्ट मिल्क को कम तो नहीं करेगा। तो जो भी अगर आप मेडिकेशंस ले रही हैं वो अपने गायनेक से कंसल्ट करके ही लें, ताकि आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आप अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिला पाए। आई होप ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।